हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं रीट लेवल प्रथम के बारे में, जिसमें उपेन यादव ने सरकार को खुली चुनौती दे दी अपनी दो मांगों को लेकर। पहली मांग तो उनकी यह है कि जो नियुक्ति है वह उनको जल्द दी जाए, और दूसरी मांग है कि द्वितीय वरीयता लिस्ट जल्द जारी की जाए। तो यहाँ पर इन दोनों मांग को लेकर उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी है, और उन्होंने कहा है कि अब नई सरकार जागी सरकार तो उनका एग्जाम तो इसका अंजाम सरकार खुद भुगतेगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये यहाँ पंक्तियाँ कहकर सरकार को खुली चुनौती पेश की है, तथा उनकी तरफ से कुछ बयान भी देखने को मिला है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और कल से इनका अनशन है वो शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर रिपोर्ट बताने वाला हूँ उसी के बारे में। तो बने रहिए स्टूडियो पे अंत तक, और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम करते हैं स्टूडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपेन यादव की तरफ से डाली गई पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक उपेन यादव जी ने कल पोस्ट भी डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार अब की बार सरकार को चुनौती दी है जिस प्रकार किसी भैंस के सामने बीन बजाई जाती, और उसी प्रकार उन्होंने एक अभिनय भी किया। तो यहाँ पर वो पोस्ट डाली गई थी उपेन जी द्वारा, तो उसी में उन्होंने यह भी बताया कि हमारी जो दो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आज भी उन्होंने एक बात बताई है कि यदि अब नई जगह की सरकार तो हमारा कल से आमरण अनशन है वो शुरू होने वाला है, और यदि अब कुछ भी होता है तो इसका अंजाम है वो सरकार ही भुगतेगी। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो हमारी आमरण अनशन है वह तब तक चलेगा जब तक कि हमें नियुक्ति नहीं दी जाए, और इसके बीच में भले ही हमारी मृत्यु भी हो, लेकिन उन्होंने ये खुली चुनौती पेश की है दोस्तों, और इसका जो होगा वह दोस्तों जिम्मेदार सरकार होगी। तो यहाँ पर सरकार को खुली चुनौती पेश की है, और वरीयता सूची भी उन्होंने कहा है कि कोई भी कभी भी जारी कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, और इसी वजह से अधिकारी कब से वरीयता सूची को लटका कर बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इसका लेकर कोर्ट में भी नहीं है फैसला। यदि कोर्ट में होता तो हम मान सकते थे कि यहाँ पर वरीयता सूची में देरी हो रही है, लेकिन अभी मामला कुछ नहीं है कोर्ट में, अगर मैं सही चल रहा है फिर भी वरीयता लिस्ट नहीं जारी की जा रही है, तो यहाँ पर इसको अंजाम सीधा सीधा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि यदि आप 26,000 बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं देते हैं तो आप मान सकते हो कि आपके कितने वोट जाएंगे। एक व्यक्ति के पीछे लगभग 10 व्यक्ति होंगे, तो उनका वोट आपको नहीं मिलेगा, और यदि आप हमें नियुक्ति देते हो तो हम आपको वोट भी दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बात बताई है अपने आज जो कार्यक्रम था उसमें। तो यहाँ पर उन्होंने खुली चुनौती पेश की है, तो आप अवश्य एक बार वीडियो देखें, वो उपेन जी द्वारा बताया गया। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अभी हम कर रहे हैं, अभी हम सड़कों पर बैठे भाग रहे हैं, और फिर आप सड़कों पर भागेंगे और कटोरा लेकर भागेंगे यदि हमें नियुक्ति नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन उपेन यादव जी ने कही है दोस्तों कि अभी आप हमें नहीं दे रहे हैं नियुक्ति, और इसी वजह से हम भाग रहे हैं सड़कों पर, लेकिन जिस दिन हमने आपको वोट नहीं दिया उस दिन आप भागेंगे सड़कों पर। तो यहाँ पर मैं इस लाइन की बहुत ही मुझे अच्छा लगा दोस्तों ये लाइन। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था, लेकिन मेरी तरफ से दोस्तों उपेन यादव जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान आज दिया है, ताकि जिससे उन्हें सरकार को चेता सके, और सरकार यहाँ पर एक बीकानेर में चल भी रहा है उनका कार्यक्रम, जिसमें अनशन पर बैठे हुए हैं 18 तारीख से वह। तो यहाँ पर उन्हीं के उसी में इन्होंने यह बयान दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बात कह दूँ दोस्तों कि अभी तक उपेन जी का जो वीडियो है वह नहीं देखा है तो देख लीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।